नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी को लड्डू पेड़ा तो हर बार ही भोग लगाते हो, अब की बार कुछ स्पेशल बनाकर भोग लगाइए। आज की जो रेसिपी है वो बॉम्बे की फेमस बर्फी है और हर जगह नहीं मिलती है। इस रेसिपी का नाम है सेव बर्फी। सबसे पहले बनाते हैं सेव। आप फीकी सेव मार्केट से भी ला सकते हो, लेकिन मैं इसे घर में ही बना रही हूँ। इसके लिए एक बोल में लेंगे एक कप बेसन, थोड़ी सी हल्दी और दो चम्मच तेल। दोस्तों, इसमें नमक नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार है, अब भुजिया वाली मशीन लेंगे और इसमें सबसे महीन वाली जाली लगाएंगे। अब इसमें डो भरकर भुजिया निकालेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, अब बनाते हैं भुजिया। देखिए इस तरह। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब इसे टिश्यू पेपर पर बाहर निकालेंगे और इसी तरह बाकी के भुजिया बना लेंगे। भुजिया बनकर तैयार है, अब इसे रखते हैं साइड में और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी दूध। जिस कटोरी से दूध लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी डालकर मिक्स करेंगे। अब तैयार किया हुआ भुजिया को इस तरह चूर लेंगे। अब दूध और चीनी वाली कढ़ाई को गैस पर रखकर बॉईल करेंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें डाल रही हूँ दूध में भिगी हुई केसर और एक कटोरी खोया। जिस कटोरी से दूध और चीनी लिया था उसी कटोरी से खोया को मापा है। एक बार आधा डालकर मिक्स कर रही हूँ और बाकी का बाद में मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे उसी कटोरी से दो कटोरी भुजिया और बचा हुआ खोया।
देखिए मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लग गए है। अब गैस को करते हैं बंद और 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने घी से ग्रीस की हुई ट्रे में सेट कर लिया है और ऊपर से बादाम और पिस्ता भी लगा दिया है। अब इसे 3-4 घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 घंटा के बाद ये सेट हो चुकी है। अब करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए ये कितनी अच्छे से सेट हो गई है। अब करते हैं सर। सेव बर्फी खाने को तैयार है ना दोस्तों, एकदम यूनिक रेसिपी। तो इस नवरात्रि में आप भी बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।